स्थिति पूर्णतः सामान्य है और सब कुछ सुचारू है। दुकानें खुली हुई हैं, लोग आवागमन चालू है और आपके माध्यम से हम सभी जिलावासियों से अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर वो ध्यान न दें। फिर कुल मिलाकर अब तक इस घटना के सिलसिले में 3 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। उन तीनों प्राथमिकियों को मिलाकर 43 लोग 43 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई टीम बनाकर साइमल्टेनियस जो है लगातार रेड किया जा रहा है। गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी। इस मामले में जो लोकल CCTV फुटेज है, जो वायरल वीडियोज हैं, तो हम लोग के अपने जो स्थानीय इनपुट है इसके आधार पर हम लोग उनको अभियुक्तों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। देखिए, अभी हम लोग का 27 जगहों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है। सुबह में लगभग 5 AM के आसपास की घटना है कि एक जगह जो है आवाज़ आई है धमाके की, तो वहीं पर हमारे जिले के जो अधिकारी थे, वरीय पदाधिकारी, वो लोग मतलब राउंड पे थे। वो लोग जब जाके देखे हैं तो वो जो है एक मतलब बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर टाइप का कहिए, उस पर कुछ निशान दिखा इन लोग को। जब स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया गया इन लोग के द्वारा तो पता चला कि आवाज़ हुई है। उसी टाइम SHO को, SDPO को जो है हम लोगों ने जो है निर्देश दिया कि आप जा करके उसको देखिए। वहाँ से सुतली भी एक बरामद हुआ है और जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता ये चला है कि वो बेसिकली जो है एक प्रकार का सुतली बम है और वो एक प्रकार से कहिए दिवाली वगैरह में जो संभवतः यूज होता है उस टाइप का है। लेकिन मौके की गंभीरता को देखते हुए FSL से हम लोग इसकी भी जाँच कराएंगे और यदि वो सपोज सुतली बम भी है उसके बाद भी जो है गिरफ्तारी निश्चित रूप से मतलब की जाएगी। और इतना अभी लोगों से मेरा अपील ये होगा कि अफवाहों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार जो है राउंड पे है।